रही है वॉइस। वॉइस आ रही है अब। यूनिवर्सल यूनिवर्सल माइनस ए। हमेशा एक होता है वेन डायग्राम। बोलो क्या होता है। देखो इसके अंदर कहानी क्या होती है मैं आपको समझाता हूं, धीरे धीरे समझते हैं। देखो समुच्चय ए, बोलो समुच्चय ए। अब मैंने इसको एक सर्किल बना दिया और समुच्चय बी, तो मैंने इसको काटते हुए क्यों बनाया, क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन भी हो सकता है। ए और बी में कुछ तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये जो कॉमन हिस्सा है, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं इसको, A, ये जो दोनों सर्किल है, दोनों सर्किल को बोलते हैं ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं, ये जो इतना सा पोर्शन है इसको बोलते हैं ए माइनस बी। क्या बोलते हैं, इसको हम केवल ए बी बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन है जो मैंने तीर बनाया है इसको बोलते हैं बी माइनस ए, केवल बी। बोलो केवल B. ये जो बाहर का हिस्सा है इसको बोलते हैं ना तो ए ना तो बी। बोलो ना तो ए, यहां पे होता है टोटल। क्या होता है, अगर मैं टोटल में से यूनियन माइनस कर दूं तो बाहर वाला आ जाएगा, टोटल में से बाहर वाला माइनस कर दूं तो यूनियन आ जाए, क्योंकि यूनियन का मतलब है दोनों सर्किल। यूनियन का मतलब कौन है, जैसे मैं बताऊं आपको, ये सर्किल, ये सर्किल, ये पूरा का पूरा डार्क कर दिया, ये कहलाता है ए यूनियन बी। बोलो क्या कहलाता है, ए यूनियन बी।
तो यहाँ पे थे टोटल मान लो 60 जने, कितने जने? और ए यूनियन बी में थे 10 जने, तो 60 में से 10 माइनस करोगे कितना है? वो आ जाएगा ना तो ए ना तो बी। अरे समझे क्या? अच्छा सर, अगर आप बात कर रहे हो ये ए और ये बी और ये आप इसको डार्क कर रहे हो, ए को नहीं किया, देखो ए का आधा हिस्सा ही किया है, तो ए माइनस बी, बोलो क्या होगा? अगर मैंने इस हिस्से को डार्क किया इधर वाले को, बी माइनस ए, वेरी गुड, क्या होगा ये? अगर मैंने हिस्सा तो डार्क किया पर बाहर वाला किया, दोनों सर्किल को छोड़ दिया, ये जो बाहर वाला हिस्सा है, टोटल माइनस यूनियन, टोटल माइनस यूनियन, तो ये होगा ना तो ए ना तो बी। अरे समझे क्या? अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में लिखवा दूंगा, पर हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, एंट्री सिस्टम से करेंगे, एंट्री को घटा घटा के आंसर लाएंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी सेम आंसर आता है और डायरेक्ट करेंगे तो भी सेम आंसर आता है। तो पहले मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा, एक बार ये डायग्राम बना लो, नहीं ये मैंने यहाँ पे कलर करके छोड़ दिया, यहाँ पे कलर करके छोड़ दिया, ये किसका हिस्सा है? बी का हिस्सा, पर बी में ए का हिस्सा भी आ रहा है, उसे हटा दिया तो केवल बी बचेगा ना। केवल बी, थोड़ा
हवा नहीं। तो बताओ बच्चों अवयव, अवयव ए यूनियन बी, बोलो अवयव, तो ये वाला होता है ए यूनियन बी, तो क्या होगा ए का हिस्सा, बोलो किसका हिस्सा, फिर बी का हिस्सा, फिर का हिस्सा। तो जब मैंने ए का हिस्सा लिया और फिर जब मैंने बी का हिस्सा लिया तो ये कॉमन पार्ट कितनी बार ले लिया, दो बार, तो एक बार हटा देंगे, एक बार फॉर्मूला बोलो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए तो वह यूनियन का मान आएगा, किसका मान आएगा, यूनियन, एन ए माइनस बी, बोलो एन, तो ये वाला पोर्शन होगा, तो क्या करेंगे ए में से, बोलो इंटरसेक्शन पार्ट हटा देंगे, कौन सा पार्ट, अपन ने यही तो किया, वो बाहर वाला हिस्सा ही तो काला किया, यानी इंटरसेक्शन पार्ट काउंट में नहीं लिया, तो एन ए में से इंटरसेक्शन हटा देंगे, एन बी माइनस ए, बोलो तो बी में से इंटरसेक्शन पार्ट हटा देंगे। अच्छा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बोलो टोटल, टोटल में से यूनियन घटा देंगे, टोटल में से क्या घटा देंगे, यूनियन, अगर इसका पलट दिया, ये यूनियन पूछ लिया, क्या पूछ लिया, तो टोटल में से इंटरसेक्शन घटा देंगे, टोटल में से, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या आया, यूनियन, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन। अरे समझे क्या, अब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा डायरेक्ट एंट्री सिस्टम से, फॉर्मूले से करूंगा तो भी आंसर सेम आएगा और बिना फॉर्मूले के करूंगा तो भी आंसर सेम आएगा, नोट डाउन। बच्चों एक कक्षा में, एक कक्षा में 60 छात्र थे,
एक कक्षा में कितने छात्र थे? इसे बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। 40 गणित पसंद करते हैं। छत्तीस विज्ञान पसंद करते हैं। ये तो ज्यादा हो गए। अरे तो कुछ कॉमन भी तो होंगे। 40 गणित पसंद करते हैं, 36 और 24 दोनों विषय पसंद करते हैं। दोनों विषय पसंद करते हैं। तो गणित या विज्ञान, ये या शब्द किसके लिए होता है? यूनियन। बोलो किसके लिए? केवल गणित क्या होगा? ओनली गणित। केवल विज्ञान, ना विज्ञान ना गणित, ना विज्ञान। अरे बच्चों ध्यान से देखो, गणित या विज्ञान क्या होगा? एम यूनियन एस, एम यूनियन एस, ये यूनियन हो गया। केवल गणित क्या होगा? एम माइनस एस, ये क्या होगा? एस माइनस है। ना तो एम ना एस, ना तो मैथ्स और ना विज्ञान। अरे समझ गए क्या? अब देखो इसको एंट्री सिस्टम से करो। ये आपने एंट्री करी पहली वाली एंट्री, ये गणित, ये विज्ञान, ये मैथ्स, ये साइंस, बहुत आसान है। ध्यान से देखना, कुल छात्र 60, कुल छात्र 60। ये 40 गणित पसंद करते हैं, 36 विज्ञान और ये बीच में 24 दोनों विषय। समझ गए? अब ये एंट्री करी, ये आंसर आ गया, एंट्री अपने आप ही हो जाएगी। ये कुल छात्र कितने? अरे बोलते ही नहीं हो। ये वाला कितना था? 40 में 24 शामिल है ना? अरे 40 में 24 भी तो शामिल है। 40 में से 24 घटा दो, कितना बचा? ये आ गया केवल गणित। क्या आ गया? 36 में से 24 हटा दो, क्या बचा? ये आ गया केवल विज्ञान। केवल जो तीनों का जोड़ होगा वो कौन होगा? गणित या, क्योंकि यही तो यूनियन होता है। क्या होता है? तो 16 प्लस 24 प्लस 12 ये आ गया 52। कितना आ गया? 52। केवल गणित का आंसर 16, केवल विज्ञान का 60 में से 52 गए, कितने बचे? तो वो आ गया ना विज्ञान। अरे सर ये तो डायरेक्ट कर दिया। सर इसको अगर हम ऐसे करते, एन एम यूनियन एस बराबर एन एम प्लस एन एस माइनस एम इंटरसेक्शन एस, ऐसे करते तो, मैंने करके देखो। मैथ्स वाले बोलो, विज्ञान वाले बोलो, दोनों विषय वाले बोलो, तो भी 52 ही आएगा। तो भी 16 24 12 करके देखा तो भी 52 आ रहा है। 40 प्लस 36 माइनस 24 किया तो भी 52 आया। फॉर्मूले से भी 52 और एंट्री सिस्टम से भी 52। अरे समझ गए क्या? सर ये तो आसान सवाल है, ऐसे सवाल काफी दे रखे हैं जिसके अंदर अपन को एंट्री करनी पड़ेगी। भाषा के सवाल होंगे। किसके सवाल होंगे? ये तीन सर्किल में भी बन सकता है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस। फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस। कुछ लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, कुछ क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ टेबल टेनिस पसंद करते हैं, जो तीनों को पसंद करते हैं, दो चीजें पसंद करते हैं, तो उनमें भी काफी सवाल होंगे। उनको कैसे किया जाएगा वो बताएंगे अभी। पहले ये नोट करो,
60 कौन है टोटल, यूनियन कितना है 52, तो टोटल माइनस यूनियन बराबर ना तो मैथ्स ना साइंस, तो 60 में से 52 घटा दिया। इधर देख ये कितना है और ये पूरा सर्किल कितना है, तो 60 में से 52 हटाएगा तो 8 ही तो बचे। चौंसठ परसेंट आम पसंद करते हैं, बोलो 64% और 40% अंगूर पसंद करते हैं। 64% आम पसंद करते हैं, 40% अंगूर पसंद करते हैं। अब मुझे बताना है कि दोनों कितने पसंद करते हैं। सर ये तो छोटा सा सवाल हुआ, मैंने कहा एक बात बताओ, इसके अंदर टोटल है 100%, टोटल कितना परसेंट, ये आम और ये अंगूर। अरे समझ गए क्या, कोई भी नाम दे दिया, ये कितने परसेंट है और ये कितने परसेंट है। सर इनको तो ये बाहर कुछ भी नहीं दे रखा, तो बाहर का क्या मानेंगे, 100 में से 0 गया, तो ये पूरा भी कितना होना चाहिए, पर ये 64 और 40 को जोड़ो 100, ये तो 100 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब बीच में कितना आएगा, तो दोनों विषय का कितना आ गया, बोलो जल्दी बोलो, दोनों फ्रूट का कितना आ गया 4%, दोनों का कितना आ गया, केवल आम निकालना है 64 में से 4 गया, केवल अंगूर निकालना है 36। समझ गए क्या, नोट डाउन, 64 और 40 का जोड़ 104 हो रहा है, तो 100 से ज्यादा हो रहा है, तो जो बचा हुआ होगा वो दोनों फ्रूट पसंद करते हैं। चौंसठ और 40 का जोड़ 104 हो रहा है और वो 100% से ज्यादा हो रहा है, तो जो 4% होंगे वो दोनों फ्रूट पसंद करते हैं। बताओ 8 चाय पसंद करते हैं कॉफी नहीं, बोलो
चाय तो पसंद करते हैं, पर क्या पसंद नहीं करते? एक मिनट सर, सर्किल में एंट्री करो, ये सर्किल, ये चाय, ये कॉफी। तो चाय पसंद करते हैं, कॉफी नहीं, मतलब ये यहाँ तक का ही आएगा। तो ये 8 हो गया। अरे बोलो यार, अब ये पूरा सर्किल कितने का था? 13 का। बोला 13 चाय पसंद करते, 13। अगर ये पूरा सर्किल 13 का है तो बीच में कितना आएगा? 5। 8 और 5 मिलके 13। कुल कितने लोग थे? 20। तो टोटल 20। तो बाहर वाला 0, तो ये 20 में से 0 गया, तो ये भी 20 होगा। 8 और 5, तो यहाँ पे ये कितने बचेंगे? 7। ये क्या आएंगे? कॉफी परंतु चाय नहीं, कॉफी परंतु चाय नहीं। तो कह रहा है कॉफी लेकिन चाय नहीं पसंद करने वालों की संख्या कितनी होगी? नोट डाउन। Thank you.